ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, सरकार ने आप लोगों को हताश निराश परेशान कर रखा है, ये आप लोगों से बेटर कोई नहीं जानता है, क्योंकि साल 2022 की जनवरी में निकाली गई भर्ती का 2 साल बाद कहीं जाकर एग्जाम होता है साल 2024 में। एग्जाम के बाद में भी आप लोगों को उसके रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है। बाहरी बेरोजगारी और सरकार के कामकाज करने की जो धीमी गति है, इस पर तो क्या कहने। देखिए, आज का मेरा विशेष टारगेट है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम 2024 भर्ती 2022, 2430 पद, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट, हेड कर्मशाला कर्मचारी, रेडियो ऑपरेटर की भर्ती के माध्यम से, जिसमें 120 पद कर्मशाला कर्मचारी के, 936 हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के लगभग 1374 पदों पर भर्ती जो थी वो निकाली गई थी। इसमें एग्जाम भी हो चुका है, इंतजार फिजिकल का है, कट ऑफ कितना जाएगा दिमाग में बस दिन रात यही रहता है, फिजिकल की तैयारी करूं कि ना करूं, दौड़ने जाऊं कि ना जाऊं, ठीक ना, ये सारी जो चीजें हैं हमारे माइंड में चलती रहती है। तो देखिए, आज एक कट ऑफ का मोटा सा आंकलन आप लोगों को बता के जाऊंगा। अगर आपका स्कोर इतना बनता है जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, तो आप लोग प्लीज हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है, थोड़ा थोड़ा आप लोग दौड़ते रहिए। 5 किलोमीटर की दौड़ है, एकाएक नहीं आएगी, क्योंकि सांस फूलता है दौड़ने में, आपको पता है मेहनत लगती है दौड़ने में, एनर्जी वेस्ट होती है। तो आप लोगों को जो मैं आज कट ऑफ बताने जा रहा हूं, उस कट ऑफ पर आप लोग काम करिए। अगर इतना स्कोर आप लोगों का है ना बनता है, तो आप लोग बिल्कुल घर ना बैठे, दौड़ते रहें, सेहत कम नहीं हो जाएगी आपकी। अगर दौड़ने में कोई दिक्कत बन रही है आप लोगों को है ना, तो ये मान के चलना कि अभी आप लोग उस दिक्कत को समाप्त भी कर सकते हैं। एकाएक अगर वो दिक्कत बनी बिल्कुल फिजिकल के टाइम पे, तो वो दिक्कत सॉल्व नहीं हो पाएगी। 5 किलोमीटर के लिए सांस भी लंबा चाहिए, गर्मी का टाइम रहेगा है ना। हालांकि अभी चुनाव के रिजल्ट से पहले इस वैकेंसी के रिजल्ट की संभावनाएं भी काफी कम है, तो क्या कहें, मतलब ये रिजल्ट जो है आपका यूपी पुलिस वाला जून के आखिरी में आ सकता है, ये संभावना बिल्कुल बनेगी है ना, क्या उससे पहले नहीं आ सकता। तो देखिए, वर्तमान में अगर हम कंडीशनों पर विचार करें तो लगता नहीं है, क्योंकि मई चल रहा है लगभग, तो अभी कोई हाल फिलहाल में सुबहावट भी नहीं है इस रिजल्ट के बारे में, ना ही कोई सूचना है किसी के पास में। और मैं RTI डाल के देखूंगा इस पे कि RTI के माध्यम से अगर कोई रिजल्ट प्राप्त हो जाता है तो। वैसे जो मेरे दिमाग का एक आइडिया कह रहा है वो यही कह रहा है, चुनाव के बाद में ही कोई आपके लिए इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी है ना, इसके फिजिकल की डेट का और फिजिकल का चुनाव के बाद में ही होने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए कट ऑफ पर एक बार विचार कर लेते हैं, जिसके थ्रू आप लोग दौड़ना शुरू कर सकते हैं। जय हिंद। इस कट ऑफ के अगर आप लोग 10 नंबर आगे पीछे भी हैं, तो भी बिल्कुल आप लोगों के पूरे पूरे चांस हैं। आगे मैं बात करता हूं, 120 जो पोस्ट निकाली गई थी आप लोगों के लिए वर्कशॉप स्टाफ की, इसमें आप लोग यहां देखिए कैटेगरी दूसरा मेल, ये फीमेल है, ठीक है। UR कैटेगरी जिसे अनरिजर्व बोलते हैं, यानी विदाउट आरक्षण वाली, जिसे मैं जर्नल बोल सकता हूं। तो जर्नल से यदि मेल कैंडिडेट हैं, 120 पोस्ट के लिए आपकी 312 से प्लस में कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना। फीमेल 290 प्लस में कट ऑफ जाएगी। EWS और OBC लगभग 309 के आसपास ही रहेगी, 309 में आप लोग प्लस 5 माइनस 5 ही अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना भी है तो भी चलने की पूरी पूरी गुंजाइश रहेगी। अगर मैं बात करता हूं 280 प्लस की, तो ये EWS और OBC की फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है जहां तक संभावना है। SC मेल की 300 प्लस और SC फीमेल की 270 के आसपास रहेगी।
वहीं एसटी मतलब मेल की 295, फीमेल की 260 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है, क्योंकि पोस्ट ही 120 है तो कट ऑफ तो यहां स्वाभाविक है कि हाई रहेगी ही रहेगी। आगे बात करता हूं मैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 जो पोस्ट निकाली गई है, इसके लिए 1374 पोस्ट में यूआर कैंडिडेट हो, 295 प्लस स्कोर है आपका, तो संभावना है आप दौड़ लगानी शुरू कर दो, आप लोगों को ये लोग बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फीमेल 285 के आसपास हैं तो वो भी दौड़ लगाना शुरू कर दें फीमेल भी, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 290 के आसपास हैं मेल कैंडिडेट, वो भी दौड़ लगाना शुरू कर दें। और 270 के आसपास यदि 1374 पोस्ट में असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए फीमेल हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाली, तो वो भी दौड़ लगाना शुरू कर दें। एससी मेल 280 प्लस है तो दौड़ लगाई भाई शुरू करें, 250 प्लस फीमेल है तो वो दौड़ लगाना शुरू करें, और एसटी मेल कैंडिडेट 270 प्लस है तो दौड़े भाई, है ना, और 240 प्लस फीमेल का है तो वो भी दौड़ लगाना शुरू कर दे, क्योंकि आप लोगों को कॉल आने वाला है इन लोगों की तरफ से। आगे बात करता हूं मैं हेड ऑपरेटर की, क्योंकि हेड ऑपरेटर देखिए सबसे ज्यादा कंपटीशन वर्कशॉप स्टाफ में है, फिर उसके बाद में असिस्टेंट ऑपरेटर में, फिर सबसे कम जो लोएस्ट कंपटीशन है वो आपका हेड ऑपरेटर में ही है। 936 पोस्ट है इसमें, यूआर कैंडिडेट 288 प्लस में जा रहा है तो वो दौड़ लगाना स्टार्ट कर सकता है। फीमेल कैंडिडेट यूआर कैंडिडेट है ना 275 प्लस है तो बिल्कुल आप लोगों को कॉल किया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 285 प्लस आपका स्कोर है तो बिल्कुल बुलाया जा सकता है। 265 फीमेल को है ना, अगर इतना है ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल तो बिल्कुल बुलाया जाएगा। एससी मेल कैंडिडेट 270 प्लस है तो बिल्कुल कॉल किया जा सकता है हेड ऑपरेटर में, और 250 प्लस फीमेल को बुलाया जा सकता है। और एसटी की बात करें तो 260 प्लस मेल कैंडिडेट और फीमेल को 230 प्लस यदि बैठते हैं तो उन्हें कॉल किया जा सकता है। तो ये कुछ कट ऑफ का आंकलन था आप लोगों के लिए। अब ये ज्यादातर केस में तो बिल्कुल सही होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। चलिए जय हिंद।